तो भाई लोगों, हम यहाँ पहुँच गए शिवानंदी। ये है शिवानंदी रिवर लॉज और ये अपना छोटा सा मड हाउस है। बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बिल्ट है और देख रहे होंगे आप लोग एडवेंचर गेयर पूरा पीछे पड़ा हुआ है। ये एक्चुअली में एक वाटर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, शलभदाई का इंस्टीट्यूट है। शलभदाई को आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं आई डोंट नो, पर वो बहुत जाना माना नाम है वाटर स्पोर्ट्स में। और इवन के वो फाउंडिंग गॉड फादर्स हैं जिन्होंने गंगा कयाक फेस्टिवल इंडिया में शुरू किया। अभी तक प्रोबेबली कोई इंडियन नहीं जीता है, फॉरनर्स आके जीत जाते हैं क्योंकि पता ही उनकी सुविधाएं, उनका खाना पीना उस लेवल का होता है कि वो जीत जाते हैं। एंड क्रेज़ी भी होते हैं एकदम, नहीं होते फॉरनर्स क्रेज़ी। तो यहाँ पर मैं अभी मड हाउस में हूँ, अकेला हूँ। अकेला क्या हूँ, साथ में ये दो हैं प्राणी। ये वो नीचे वाला, ये गद्दी और भूटिया मिक्स है। ये लोग गुत्तू नाम का एक गांव है, गुत्तू गंगी आपने सुना होगा, भिलांगना वैली में, तो वहाँ के कुत्ते हैं पर यहाँ रहते हैं शलभदाई के साथ। वो नीचे वाले का नाम प्रिंस है, प्रिंस है वो तो बहुत फुल साइज़ का डॉगी है भाई। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा हुआ है यार, 8% बैटरी है तो अब मैं दिखा भी नहीं रहा। फिर देखेंगे क्या हो गया, कुत्ते बहुत दिखाऊंगा मैं तुम्हें। इस वाले कुत्ते को देखो पहले। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो फिर मैं आज यहाँ आ गया हूँ। यहाँ पर आराम से बेड बुड लगा हुआ है। वैसे तो अभी मेरे बेड में ये सो रहा है, पर कोई नहीं, इसको लात मार के फेंकूंगा मैं नीचे, उसके बाद मैं सोऊंगा वहाँ पे। अल्फा सोएगा, अल्फा अल्फा विल स्लीप देयर। अभी इसको ना मस्ती आ रही है, देखना कैसे कर रहा हूँ। हाँ, तेरे को मस्ती आ रही है बहुत, दिखा जरा मस्ती दिखा। अब इसको मस्ती आ रही है। और ये अपने भाई हैं, छोटे नोनो भाई, हेलो। हाँ, चल चल यार। और नोनो लद्दाख से हैं। ही इज़ ऑल्सो रिवर गाइड, रिवर राफ्टिंग गाइड, और कैकिंग करते हैं। लोग कैक में जाते हैं, बचाते हैं लोगों को। ये नॉर्मल तुम्हारा ऋषिकेश का वो नहीं है क्या, राफ्टिंग सीजन नहीं है, तुम समझ रहे हो? दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस, दिस इज़ हाई अप इन हिमालयाज। एंड यहाँ पर गंगा जी की अगर आवाज़ आ रही होगी तुम लोगों को, माँ अलकनंदा है वो। अलकनंदा सबसे बड़ी रिवर है जो गैंजेस में मिलती है, उसके बाद गैंजेस को फॉर्म करती हैं भागीरथी के साथ मिलके। तो यहाँ पे अलकनंदा में राफ्टिंग होती है और बहुत अच्छे लेवल की होती है। जो तुम वो पहनते हो वो वेस्ट वगैरह वहाँ ऋषिकेश में, उसमें भाई पानी में गिर के डूब गए, अगर वो नहीं बचाएंगे तो तुम डूब भी जाओगे भाई। लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल बढ़िया क्वालिटी के गेयर्स यूज होते हैं। इवन तुम ये लगा लो कि ऋषिकेश में तुम्हें 300 रुपये पर पर्सन में राफ्टिंग कराते हैं ना, यहाँ नहीं कराते मेरे भाई, यहाँ 3,000 में पर पर्सन में कराते हैं मिनिमम। बस तुम ये समझ लो, तुम्हारे बस की नहीं है यहाँ राफ्ट करना। और यहाँ का लेवल ही अलग है भाई, मतलब तुम समझ रहे हो, ऊपर से आते हैं नंदाकिनी, वो क्या बोलते हैं, जहाँ से पिंडर नंदाकिनी पिंडर बहती है, पिंडर से बहते हुए फिर अलकनंदा में मिलते हैं, फिर यहाँ मतलब एक्सपीडिशन होते हैं यहाँ 10 10 दिन के, ये समझ लो। पूरा कैंपिंग हो रही है नदी मैं के नीचे गिर किनारे, गया, मैं नहीं कर बकरे रहा। वहीं पक रहे हैं, कुत्ते भी चले हुए राफ्ट में बैठ के या गाड़ी में वाह, बैठ के, जैसा मस्त सीन है, तो इंजॉयमेंट फुल मुझे तो। पावर, समझ रहे हो? हाँ, तो मैं बताना क्या है, बस रात का टाइम है। मैंने कहा भाई लोग को एक वीडियो डाल देता हूँ। अभी मैंने अपने दो दोस्तों से बात की, एक मेरा भाई है मोहसिन अली, वो कश्मीर में रहता है, इज़ अ गुड कश्मीरी गाय, और बुला रहा है वो मुझे, ही इज़ आस्किंग मी टू कम ओवर टू कश्मीर टू स्पेंड सम डेज विद हिम। देखते हैं, बनता है मूड, प्रोग्राम बिल्कुल बनता है, भाई, नौकरी करने भी जाना है। ये आ गया देखो, ये देख इसका मुँह, देख रहे हो मुँह, मेरे बराबर, मेरे से बड़ा है भाई, मेरे बराबर क्या है, मेरा मुँह छोटा है। ये देखो, ये है भुट्टू, भुट्टू प्लस गद्दी मिक्स, एक नंबर ब्रीड। ये देखो कितना लंबा चौड़ा है, फुल पावर। ये देखो साइज इसका क्यों, और बहुत ही स्वीट है। प्रिंस इसका नाम है और प्रिंस जैसा ही है बिल्कुल, बिस्तर पे सोता है, ये सो जाए तो हमारे लिए जगह नहीं बचती। हाँ, तो मैं भाई कह रहा था कि वो भाई कश्मीर बुला रहा है। हाँ, तो हम वीडियो कॉल में थे मोहसिन अली, साथ में मेरा सुभाष श्रेष्ठा, ही इज़ अ नेपाली गाय। हम सब लोग दिल्ली में साथ में रहते थे जब हम कॉल सेंटर्स में जॉब करते थे इन आवर mid-20s। अब वो भाई US चला गया, ही लिव्स इन US, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, गैलेक्सी एंड ओरियन। नाम देख रहे हो तुम, गैलेक्सी एंड ओरियन। ओरियन इज हिज किड, इज 4 ईयर ओल्ड, और गैलेक्सी छोटी है अभी, 8 9 महीने की। सुनो और सुनो, अली भाई की अभी शादी नहीं हुई है, बट हो जाएगी उसकी, तो उसको क्या दिक्कत है, ही इज़ अ बाल्टी डिसेंडेंट्स फ्रॉम द गिलगित वैली, तो स्मार्ट गया, उसकी हो जाएगी, कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो देखते हैं क्या प्लान बनता है, कुल्लू जाते हैं कि कश्मीर जाते हैं। पर मेरा तो बड़ा मन था यार दिरांग में, पैसे बचे हुए कुछ जेब में, दिरांग इंस्टीट्यूट चला जाता अरुणाचल से, वो जो मेरा छूटा हुआ एडवांस कोर्स था। एक्चुअली मैं एडवांस कोर्स करने गया था एक बार HMI दार्जिलिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसमें मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, यहीं की है, मलारी की है, देहरादून में रहती है, देहरादून की समझो,
हाँ गढ़वाली लड़की, गढ़वाली भोटिया मिक्स, मतलब भोटिया ही है मिक्स क्या। हाँ मम्मी उसकी गढ़वाली है, पिताजी भोटिया। तो क्या बोलते वो मेरे साथ वहाँ, चल छोड़ यार उसका रूम के पास। हाँ तो बताना ही पड़ेगा। तो हम वहाँ साथ में गए थे, तो वहाँ क्या हुआ कि उसने वहाँ मैं उसकी सहेली से बात करूँ जिनके साथ हमने बेसिक किया था। अरे बहुत थकेली कहानी, वही लड़कियों का ड्रामा तुम्हें पता है। उसने कोर्स छोड़ दिया, मुझे भी छुड़वा दिया, बस बर्बाद हो गया मतलब मैं उसके चक्कर में। और भाई उस कोर्स के लिए 7-8 हज़ार रुपये इकट्ठा किए थे, और अगले महीने से वो 15 हज़ार की फीस होगी, समझ रहे हो। 8 हज़ार में होना था कोर्स, अब 15 में करना पड़ेगा, फिर 15 जेब से लगाओ। भाई क्या सर दर्द है लड़की के चक्कर, बाबू भाई लड़की का चक्कर। ऊपर वाले को समझ में नहीं आया, हमको क्या आएगा। चलो छोड़ो, जाने दो सब कहानी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मैं अपना छूटा हुआ एडवांस कोर्स कर लूँ निमास दिरांग से। तो यार आप लोग कमेंट में बताओ मैं क्या करूँ, मैं कुल्लू जाऊँ कि कुल्लू में नौकरी मिल रही है ना, समझ रहे हो, वो फायदे का सौदा है। पर वहाँ भी सवाल है, जितनी मेहनत वहाँ करनी है यहाँ उत्तराखंड में ही कर ली तो यहीं हो जाएंगे बारे न्यारे। या फिर मैं कश्मीर जाऊँ अपने दोस्त से मिलने, आप लोगों को कश्मीर के वीडियो दिखाऊँ कैसे वहाँ पर मैं गुस्ते रिश्ते कबाब खाता हूँ, है ना। मैं उतना मतलब फॉन्ड ऑफ न्यू मीट, पर आई कैन टेस्ट क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया। तो देर आई लर्न, मैं 18 साल तक वेजिटेरियन था प्योर, और उसके बाद फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, माउंटेनिंग कोर्स किया, तो यू हैव टू ईट एवरीथिंग नाउ। पर फिर भी मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ, दिल से मैं वही खाता हूँ, हरी भुज्जी कढ़ी चावल, बस वही अपना दिन का राजमा भात खाया, और अचार के साथ घी के साथ पीछे दूध का कटोरा घी का कटोरा, पता ही है तुम्हें क्या क्या पसंद है मुझे, नहीं है तो देखते हैं। तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। निमास दिरांग, एडवांस कोर्स करके आऊँ 1 महीना, गायब हो जाऊँ इससे यूट्यूब से, होऊंगा ही जब कोर्स में चल जाऊंगा तो, पर वापस आके वहाँ के अच्छे वीडियोज डालूंगा। या फिर मैं कुल्लू जाऊं वहां जॉब करूं, देखूं भाई लोग सैलरी देते हैं कि खाली फ्री में भांडे धुलवाते हैं। या तीसरा आई कैन गो टू कश्मीर टू मीट माई फ्रेंड, एंड ऑब्वियसली यार पैसे तो खर्च होंगे, यहाँ से किराया लगा के जाऊंगा, वहां से किराया लगा के आऊंगा, तो वो भी सोचना है। बताओ 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 कमेंट में बताओ। सी यू।